हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के एपिसोड में हम लोग सबसे पहले तो जो हम लोग डायमंड माइन करके लाए थे उसका आर्मर बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम कुछ भी पहन के घूम रहे थे, कुछ भी। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ मेरे वर्ल्ड में जो भी थोड़े बहुत चेंजेस मैंने किए हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा मतलब कुछ बनाया है, मतलब मुझे नहीं पता कैसा लग रहा है आप लोग को, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके अंदर सेपिकल डाला हुआ है ताकि थोड़े रोशनी रहे, हल्की सी। आई होप आप लोग को अच्छा ही लग रहा हो। और इधर मैंने लगाया है स्प्रूस के पेड़ बहुत सारे, और इस साइड मैंने लगाया है ओक के ट्री, डार्क ओक के, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे यही वुड लगते हैं, डार्क ओक के। अभी मेरे पास ज़्यादा सैपलिंग नहीं थी तो बस इतना ही हुआ, और इसके ट्री काटने में उतना मिलता भी नहीं है सैपलिंग। तो अभी हमेशा की तरह शुरू करते ही, वीडियो रात हो गई है तो चलो पहले सबसे पहले सो ही जाते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग। तो फिर चलते हैं कि अपना सबसे पहले तो हमारे पास जितना भी डायमंड है उसे निकालते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना डायमंड है। इसको यहाँ से निकाल के हमारे पास पूरा 1.5 स्टैक से थोड़ा सा कम है डायमंड, ये भी ज़्यादा ही है। तो इसे सबसे पहले हम बनाएंगे चेस्ट प्लेट, उसके बाद लेगिंग्स, फिर अपने बूट्स और फिर अपने हेलमेट। अब आर्मर अब हो गया, अब थोड़ा टूल्स भी बना लेते हैं। स्वॉर्ड हो गई और ये हो गया शॉवल और पिकेक्स, तो हमारे पास पहले से इसलिए मैं उसे बनाऊंगी नहीं। और ये एक्स बन गई है और हो भी बना ही लेते हैं क्योंकि काम आती है यार। ओके, तो जितने भी ज़रूरी चीज़ें थी, मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, तो यहाँ से पिकेक्स अपनी निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है कि मेरे पास पहले से लेगिंग्स पड़ी हुई है, 1 मिनट, जिसमें अनब्रेकिंग 3 भी है। मैंने इसे, ये क्या हो गया, 1 मिनट हो गया, इसको यहाँ से ऐसे हम, मैंने इसको ट्रेड करके लिया हुआ था पर ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ से एक ट्राइडेंट भी निकाल लेते हैं। और अब चलते हैं, देखते हैं हमारे पास जितनी भी बुक्स हैं, इसमें नहीं है, इसमें जितने भी बुक्स हैं मैंने अभी तक ट्रेड किए इतने दिन से, वो सब है यहाँ पे। मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ छूटी है, पर अगर छूटी होगी तो बाद में पता चल जाएगा और फिर मैं उसे लगा दूँगी। तो चलो सबसे पहले एनविल उठा के इधर लाते हैं, क्योंकि कौन बार बार जाए इधर। ओके, तो सबसे पहले मैम इसे यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से उठा के इधर ले चलते हैं। और अभी मेरे पास जितनी भी फालतू चीज़ें हैं मेरे इन्वेंट्री में, इसे इसे क्लियर करती हूँ सबसे पहले। ओके, तो हो चुकी है क्लियर। तो चलो अब देखते हैं कि कौन सी बुक हमें पहले निकालनी है। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले एफिशिएंसी में जिस जिस चीज़ में लगेगी मैं उसे लगा देती हूँ। पिकेक्स में तो लग चुकी है और एक लगेगी एक्स में और शवल में, आई थिंक। हाँ, इसको इधर करके कुछ नहीं लगा, अच्छा ऐसा बनेगा। ओके, तो हमारे शवल में, अरे एक्स में सॉरी, लग चुका है और अब शवल में लगेगा। मेरे पास अभी 27 लेवल है। अब चेस्ट प्लेट में लगाते हैं प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन का काम करते हैं अपने। इसको यहाँ पे मेरे पास एक प्रोटेक्शन 4 है जिसको मैं चेस्ट प्लेट में लगाऊंगी और 3 लेगिंग्स में, क्योंकि चेस्ट प्लेट ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतना हो गया, अब क्या लगा सकती हूँ? मेंडिंग, मेंडिंग लगा सकती हूँ, पर इससे पहले मैं सोच रही हूँ कि
अपने हेलमेट का जितना भी आइटम है उसे मैं लगाऊं। रेस्पिरेशन मेरे पास दो है, एक थ्री है एक टू है, तो थ्री लगाऊंगा ऑफ कोर्स। इसको इधर करने पर दो लेवल लग रहा है, उधर करने पर छः, वाह। तो इसको मैं यहाँ से इसमें लगा सकती हूँ। तो ये मेरे हेलमेट में लग चुका है। अब सिर्फ मेंडिंग और अनब्रेकिंग बाकी है। थॉर्न्स, अच्छा हाँ थॉर्न्स भी तो लगेगी ना चेस्ट प्लेट में। मैं सोच रही हूँ सबसे पहले थॉर्न्स और मेंडिंग अनब्रेकिंग ये सब पहले लगा दें। देखते हैं पता नहीं लेवल है मेरे पास कि नहीं, पहले तो कंबाइन कर लेते हैं। 16, तो इतना अंतर इस, ऐसे करने पे 16 वैसे करने पे 7, बढ़िया ये हो गया। तो अभी बस मेंडिंग बची है, अब इन दोनों कंबाइन करके देखते हैं कितना होता है। इस तरह 9 चाहिए, उस तरह 20, और इस तरह कुल मिला जुला के हमारे पास लेवल सभी नहीं है, तो इसका कुछ जुगाड़ करते हैं। ओके, तो मैं आ गया हूँ फिशिंग करने, क्योंकि 1 to 10 लेवल तक मुझे नहीं लगता कि मुझे जाकर ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसे ही हो जाता है जल्दी से, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिशिंग करके 1-10 लेवल तक तो बढ़ाऊँगी, क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है फिशिंग करके करने के। ओके गाइस, तो मेरा 14 लेवल तो बढ़ गया है फिशिंग करके, तो अब चलते हैं थोड़ा ट्रेडिंग करने। और मेरे पास जितने भी कागज़ हैं, पेपर, सॉरी बात तो वही है, कागज़ पेपर जो भी है, हाँ, तो मेरे पास जितने भी है मैं उन्हें ट्रेड कर लूँगी सबसे पहले। अब हम थोड़ी लेवल अपनी ट्रेडिंग करके बढ़ाएंगे। तो चलो चलो चलो, आई थिंक ये वाला लाइब्रेरियन अभी जल्दी ही बना है मुझे, मैंने नहीं इसे बनाया, खुद से इसने अपना जॉब ले लिया है, इसका बाद में कुछ करेंगे। और अभी जितने भी मेरे पास बचे हुए हैं पेपर्स उन्हें ट्रेड कर लेते हैं। इससे एक बुक भी लेनी थी थॉट्स की,
तो फिर चलो, हाँ जो जितना भी बच, ये 36 का दे रहा है। वाह, इसको पता नहीं किस बात का घमंड है। कोई बात नहीं, कार्टोग्राफर भी है ना पेपर ट्रेड करने के लिए। आई थिंक मैंने सभी से ट्रेड कर लिया है, बस कुछ कुछ बाकी हैं। दो यहाँ पे इनसे, ये तो वही वाला है, नहीं ये शायद वो वाला नहीं है, फायर एस्पेक्ट। हाँ ये वो वाला है। और दो क्या, ये तो इसकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी सारे कहाँ गए? एक यहाँ पे अटका पड़ा है, प्रोटेक्शन 3 वाला है ये। ओके, तो थोड़ी सी पेपर की और ज़रूरत है। दो स्टैक आई थिंक हो जाएगा इतने में। हाँ ओके, तो सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें थोड़े ये जितने भी हमारे पास हैं फार्मर, उनसे भी ट्रेड कर लेना चाहिए। ये तो वीट वाला, ये वाला है। ओके, तो ये तो इतना ही था। अब मेरा कैरेट भी है मेरे पास, मैं उसे भी ट्रेड कर लेती हूँ। कैरेट वाला यही है ना, 39। मैंने एक विलेजर को मारा था ना, लगता है इसने देख लिया था। कोई बात नहीं, जब इसकी याददाश्त कमज़ोर होगी तब हम इसे ट्रेड करेंगे। तब तक इसे यहीं रखते हैं। और फिर अभी रात भी हो गई है, तो चल के देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी बुक नहीं है, और उस हिसाब से हम यहाँ पे लेके आएंगे, उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अभी हमारे पास 24 लेवल्स हो गए हैं, तो देखते हैं अभी कुछ और बुक्स कंबाइन हो पाती है कि नहीं है। और यहाँ पे रात भी हो ही गई है, तो चलिए चलते हैं। ये क्या, इस साइड बारिश हो रही है, और पर इधर तो नहीं हो रही थी। हाँ अभी भी नहीं हो रही है, ये क्या मजाक है, इधर नहीं हो रही है और इधर हो रही है। वाह बढ़िया है, भांग का नशा चढ़ गया लग रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले चल के दिन करते हैं, फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये बारिश क्यों नहीं बंद होती है सो कूटने के बाद भी? सो इरिटेटिंग। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मेरा सो कूटने के बाद मूड भी चेंज हो गया। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले ना जितनी भी चीज़ें मेरे पास मैं ट्रेड कर लूँ, और मैं सारी आर्मर और टूल्स को अपग्रेड करके फिर आपको दिखाऊंगी एक साथ, क्योंकि ऐसे बड़ा बोरिंग हो जाएगा। मैं बार बार लेवल्स कलेक्ट करूँगी, फिर ट्रेड करूँगी, फिर एक ये बेहुदा इंसान बार बार आ जाता है। कोई बात नहीं। सो ओके गाइस, मैंने सारा काम कर लिया है जितना भी मुझे करना था। आई थिंक मेरे पास बस एक दो काम बचा हुआ है, मतलब मेरे पास बुक्स नहीं थी अनब्रेकिंग की, और वो मुझे वो विलेजर भी नहीं मिल रहा है, शायद मर गया है, पता नहीं क्या हुआ, शायद मैंने ही मार दिया। तो अभी देखिए मैंने सारा आर्मर निकाल दिया जो फालतू था मेरे पास, और टूल्स भी हटा दिए हैं। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने सारा जितनी भी एन्चेंटमेंट थी, जिस जिस चीज़ में लगनी थी इम्पॉर्टेंट, वो सब मैंने लगा दिया है। मेरे ख्याल से कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ एक दो चीज़ में अनब्रेकिंग नहीं लगी है, जैसे ये क्या कहते हैं इसे, एक्स में, और उस इसको क्या कहते हैं यार, जो भी आप देख रहे हैं ना, हो हाँ हो में नहीं लगी है, इन दोनों में। और मुझे नहीं पता था कि मेरे पास मतलब मेंडिंग और इन्फिनिटी एक साथ नहीं लग सकती, जिसकी वजह से मेरे पास दो वो हो चुकी है। तो बाकी जितने भी चीज़ें मैं अब अपने इन्वेंट्री में ले लेती हूँ और अपने आर्मर को पहन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
एक्स भी ले ही लेते हैं, भले अभी अनब्रेकिंग नहीं लगी है, पर जब मेरे पास विलेजर हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। और अभी एक मिनट में पहन लूँ सारे आर्मर। बढ़िया, एक मिनट में थर्ड पर्सन में जाके फिर मैं दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। सोके, तो ये रहा मेरा डायमंड का आर्मर। भाई साहब कितने दिन बाद ये कितना चमक रहा है। भैया मेहनत है पता नहीं कितने दिनों की, खास करके तब जब आपके पास लेवल बढ़ाने के लिए कोई एक्सपी फार्म ना हो। पर कोई नहीं, ठीक है, चलता है, कुल मिला जुला के बढ़िया लग रहा है। तो ओके, फिर अभी तो हमारा आर्मर बन चुका है, हमारे टूल्स भी बन चुके हैं और इंचेंटमेंट भी लग चुकी है सारे में इम्पॉर्टेंट। बस कुछ चीज़ों में अनब्रेकिंग नहीं लगी है, आई थिंक दो ही दो चीज़ है या फिर तीन। और हमारे पास वो जो ये है ट्राइडेंट, इसमें रेप्टाइड लगी है, और आई थिंक रेप्टाइड और लॉयल्टी एक एक में नहीं हो सकता, तो मुझे दो ट्राइडेंट बनाना पड़ेगा। आप लोग बताइए, मुझे नहीं पता, तो अगर लगती है एक में तो मैं लगा लूँगी। और चलते हैं फिर, देखते हैं कि आगे इसके आगे मैं क्या करूँगी। मैंने एक देखा था वो माइनशाफ्ट एक जगह, मैं सोच रही हूँ कि अगले एपिसोड में हम वहीं चलें। तो तब तक के लिए आप, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या नहीं, और ये जो मैंने बनाया ये अच्छा लगा कि नहीं। ठीक है, टाटा, बाय बाय।